हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि दोस्तों किसी का भी फोटो या वीडियो या कोई खास एप्लीकेशन या किसी का नंबर दोस्तों अपने मोबाइल के डायनलोडपेड में हाइड करके छुपा सकते हैं जिससे दोस्तों आपके अलावा कोई नहीं जान पाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में यही सब हम बताएंगे कि दोस्तों अपने मोबाइल के डायनलोडपेड में किसी का फोटो या वीडियो या खास एप्लीकेशन को कैसे हाइड करके रख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पूरी ध्यान से देखना है दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तो तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि डायलर पैड में किसी भी किसी का भी फोटो या वीडियो या कोई खास एप्लीकेशन या किसी के नंबर हाइड करके कैसे रख सकते हैं कोड लगा के तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम दोस्तों आप लोग को बताएंगे कि दोस्तों किसी का भी नंबर आप अपने डायलर पैड में कैसे हाइड करके रख सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही हम दो को होल्ड करके रखते हैं तो मेरा मोम के पास कॉल लग जाता है उसी प्रकार दोस्तों अगर हम तीन को हॉल के रखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे भैया के पास कॉल लग जाता है इससे क्या हो फायदा होने वाला है दोस्तों वीडियो पूरी ध्यान से देखना है दोस्तों अगर आपका कोई घर का सदस्य दोस्तों अगर मोबाइल सही से चलाना नहीं आता है यानी कि हल्का फुल्का आता है जिससे दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों किसी का नंबर उसको पहचान में नहीं आता है कि दोस्तों ये नंबर किसका है ये नंबर किसका है तो दोस्तों उस उस पर उस टाइम ये दोस्तों बहुत ही आप लोग को फायदा होने वाला है आप सिर्फ ये बता देंगे दोस्तों कि अगर दो को होल्ड करके रखना यानी कि दबा के, के रख रख रखना कुछ देर तो दोस्तों मम्मी के पास कॉल लग जाएगा जिससे दोस्तों उसको काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों कॉल लगाने में उसी प्रकार दोस्तों अगर तीन को दबा के रखेंगे तो दोस्तों भैया के पास कॉल लग जाएगा जिससे दोस्तों आपका घर का कोई भी सदस्य पढ़ा लिखा ना हो या चलाना नहीं आता दोस्तों वो आसानी से कॉल लगा के बात कर सकता है दोस्तों आखिर में इसको से सेव कैसे करना है तो आप लोग को सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों अपने मोबाइल के डाइलर पेड को ओपन कर लेना करने के बाद दोस्तों आप जौन सा अंक यानी कि नंबर में सेट करना चाहते हैं किसी का नंबर उसको होल्ड करके रखना है रखने के बाद दोस्तों इस प्रकार से इंटरफेस आएगा तो यहाँ सेटिंग आपको आ जाएगा तो सेटिंग पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अगर दो को होल्ड करते हैं तो मोम के पास कॉल लगता है और थ्री को होल्ड करते हैं तो सोहन भाई के पास कॉल चल जाता है उसी प्रकार दोस्तों आप चार में भी लगा सकते हैं तो यहाँ देख सकते हैं नीचे दोस्तों क्लिक टू ऐड। उस पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप किसी का भी नंबर जिसका सेव करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है करने के बाद दोस्तों ऑलरेडी ये सेव हो जाएगा सेव होने के बाद दोस्तों बैक आ जाना है उसके बाद दोस्तों आप फिर करके देख लेना है कि सेव हुआ है कि नहीं तो देख सकते हो मेरा सेव हो गया है तो उसी प्रकार दोस्तों आप किसी भी नंबर में आप अपना कोई भी नंबर को हाइड करके रख सकते हैं जिससे दोस्तों आपको कॉल लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो दोस्तों हम फोटो या आ, या किसी कोई भी वीडियो या एप्लीकेशन कैसे डायल पैड पर हाइड करते हैं दोस्तों ये हम तीनों दोस्तों हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे तो दोस्तों उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि दोस्तों हम जैसे भी इसका वीडियो हम अपलोड करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन अब सबसे पहले, पहले पहुंच जाएगा और दोस्तों सबसे पहले आप देख पाएंगे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ तब तो तक के लिए सभी को जय हिंद बंदे मातरम